हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रास्ता खुलवाने को लेकर मामला गरमाया। नागाणी ग्राम पंचायत गुलाबगंज के अंतर्गत मालगांव में रास्ते ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कोई अपने कुएं पर जाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाता दिखता तो दूसरे कुएं वाले अपने अपने खातेदारी जमीन पूरी करे माप तोल फिर रास्ता खोलने की गुहार लगाते दिखे। वही रघुपाल सिंह देवड़ा बताते हैं कि अपने कुएं पर जाने के लिए 50 सालों से पुराना रास्ता है जो आज भी रिकॉर्ड में है और पंचायत ने अपने उच्च अधिकारियों को बुलाकर रिकॉर्ड चेक करवाए और रास्ता खुलवाया। वहीं पास के कुएं वाले जैताराम चौधरी और रामाजी माली ने बताया कि ये रास्ते हमने कभी खुला हुआ नहीं देखा और अगर रास्ता रिकॉर्ड है तो पहले हमारे कुएं में हमारे नाम की जमीन है वो पूरी माप कर पंचायत और प्रशासन दे, हमारी जमीन पूरी करे, उसके बाद रास्ते की जमीन चलने के लिए दे सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। वहीं रामजी भाई ने माली ने बताया कि मेरे खड़ी फसल में जेसीबी चलाकर फसल नष्ट करने की कोशिश की। वहीं पंचायत द्वारा जो रास्ता खोला था वो नरेगा के माध्यम से गरेवाल सड़क बनाने को बोला था मगर जेसीबी से पेड़ काटे और रास्ता किया। वहीं रघुपाल सिंह देवड़ा बताते हैं कि नरेगा के मजदूरों से ही हम काम किया है और मजदूरों काम नहीं करने दिया। जब हमने सरपंच निर्मा देवी मेघवाल से बात की तो बोले कि काम नियम के हिसाब से हुआ है और रास्ता रिकॉर्ड में पूरा और नायब तहसीलदार और आई पटवारी भी मौके पर आए और रिकॉर्ड देखे जिसमें रास्ता गुलाबगंज सर्द तक जाता है। क्या कहते हैं नायब तहसीलदार मांगीलाल मीणा, ये रास्ते का मामला कोर्ट में है और इस मौके पर गए थे, रास्ता रिकॉर्ड है पर अभी जमीन मापने की स्थिति नहीं है, फसल खड़ी है और सभी को पाबाद किया है कि कोई आपस में विवाद नहीं करे। फसल लेने के बाद जमीन का सीमांत ज्ञान होगा तब कोई कानून नहीं तोड़ेगा, तब तक कोई कानून नहीं तोड़ेगा। क्या कहते हैं सरपंच निर्मा देवी मेघवाल, ये रास्ता रमा देवी माता जी से गुलाबगंज से गरेवाल सड़क थी। वही मालगांव की जनता और वार्ड पंच की लिखित में रास्ता खुलवाने के लिए पंचायत मां की ओर से पंचायत ने जेसीबी से काम नहीं किया, ना ही कोई जेसीबी का भुगतान किया है, काम नरेगा के मजदूरों से किया है। के अटे बस में रस्तो हेलेरियो पूरो कंप्लीट चालू तो आरआई साहब मौका माते आवे तहसीलदार साहब कहवाती आवे नायब तहसीलदार आवे ने रस्तो चालू करावियो चालू करायो ने यथा स्थिति राखी के फसल उबी अबर ने मपाए अबर जो रस्तो है अटे अलाड़ो ए ने अतरू है के जो भी है ना त्या यथा स्थिति राखो अटे जिगरो विगरो ने नागड़ो पर ए लोग पड़ी है जैतारोम ने रामाजी माड़ी बे जना रातो रात रस्तो बंद कर दो मजूर ग्रेवल वालों हेलेन 10 मन को साइन करें तहसीलदार साहब ने दीदा है कलेक्टर साहब ने दीदा है थानदार साहब ने दीदी एप्लीकेशन पर कड़ोती कोई कार्रवाई नहीं हो रही है नहीं कर रही है कार्रवाई ने रस्तो यूरो यू बंद पड़ी हो अब ने रस्तो स्टेट टेमती है रस्तो चालू है ने खातेदारों जितना भी एप्लीकेशन दीदी 20 मन को साइन करे ने सब एप्लीकेशन मिली है पर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की दी अजी हुदी रस्तो बंद पड़ी हो मेरी खातेदारी पूरी हो उसके बाद में रास्ता निकले। चाजरी एक गांठ है पटवारी तहसीलदार और आरआई का कहना है तो चार गांठ वहां तक आ रही है चार जरीब वहाँ तक आ रही है एक गांठ उसके अंदर जा रही है मेरी खातेदारी उनके अंदर जा रही है वहां तक मेरी पूरी करे उसके बाद रास्ता निकाले बाकी मेरे को रास्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मेरा थी रस्तो मापविन मोरी खातेदारी पूरी करो बराबर है और बीजी बात कि भाई नरेंगारा मजूर ही तो अटैनी में एक जैसी भी क्यों लगाड़ी मजूरों से काम होना चाहिए बरोबर कहीं नहीं हालती। 10 सरपंचों को मैंने पूछा कि भाई नरेंगा के काम में जैसे भी अलाउन नहीं है ठेकेदार हुए कि भले कोई भी वे। जागरूक टीवी के नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।